पिछले कुछ 3-4 दिनों से मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट देखने को मिल रही थी। जब मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि मेरी क्रू मेंबर से बात हुई है, जो कि सेवंस का या एंटरटेनमेंट का एक मेंबर है, तो उसने कहा था कि हारून कादवानी के लिए एक स्क्रिप्ट रेडी की जा रही है, जिस पर अभी कुछ ही दिनों में काम शुरू होने वाला है। तो मुझसे लोग पूछ रहे थे कि हारून कादवानी के न्यू ड्रामे की अपडेट दें, और ज़्यादातर लोग ये पूछ रहे थे कि रूपोश का सीज़न 2 तो कहीं नहीं आने वाला, या फिर ये कोई और ड्रामा होने वाला है। तो आज मैं आपको बेसिकली रूपोश सीज़न 2 के बारे में बताऊंगा कि वो ड्रामा ये टेलीफिल्म होने वाली है या फिर कुछ और होने वाला है। अभी तक मेरे पास कोई जवाब नहीं आया उनका, ये कोई अपडेट नहीं आई कि वो स्क्रिप्ट कौन सी है या वो स्क्रिप्ट फाइनल हो गई है या नहीं। अगर मेरे पास कोई जवाब आता है तो मैं लाजमी बता दूंगा। बात रही रूपोश 2 की, तो लोग ये डिमांड कर रहे थे कि इसमें पहले तो किंजा हाशमी थी हारून कादवानी के साथ, तो इस दफ़ा रूपोश सीज़न 2 आए तो उसमें सैर खान भी होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों के साथ एक एक टेलीफिल्म कर चुके हैं। एक टेलीफिल्म आपको पता है कि तेरी मेरी कहानी आई थी, जो इनका प्रॉपर डेब्यू था मेन लीड के तौर पर हारून कादवानी का, और सेकेंड आई थी रूपोश, जिसने काफ़ी सारे रिकॉर्ड तोड़े और वो किंजा हाशमी के साथ थी। तो इस दफ़ा लोग कह रहे थे कि कहानी डिफरेंट होनी चाहिए, मतलब इन तीनों की कहानी दिखानी चाहिए, लेकिन नाम इसका रूपोश सीज़न 2 रखना चाहिए, जिससे इसे काफ़ी मतलब हाइप मिलेगी और ये काफ़ी बड़ी हिट भी हो सकती है, रूपोश से भी बड़ी। तो क्या आप हारून कादवानी को सहर खान के साथ या किंजा हाशमी के साथ या इन दोनों के साथ रूपोश सीज़न 2 में देखना चाहते हैं? आप इस टेलीफिल्म का सीज़न 2 चाहते हैं या नहीं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।